लीची का नाम आते ही मन स्वाद और मिठास के एहसास से लबरेज होने लगता है। और बात अगर मुजफ्फरपुर के शाही लीची की हो तो क्या ही कहना। यहाँ की लीची की मिठास देश ही नहीं दुनिया भर में प्रसिद्ध है। लेकिन इस बार तापमान की तपिश ने लीची के मिठास को कम कर दिया है। ज्यादा गर्मी पड़ने से फल छोटा हुआ है, साथ ही लीची जल भी गया है, इससे किसानों को नुकसान भी हुआ है। आलम यह है कि मुजफ्फरपुर से देश के अलग अलग क्षेत्र में क्षमता से आधी लीची बेची गई है। हालांकि रेलवे की ओर से व्यापारियों के लिए अच्छे इंतजाम किए गए हैं। स्पेशल किसान पार्सल वैन जिसकी क्षमता 24 टन है रोज लीची लेकर जाती है। लेकिन अत्यधिक तापमान की वजह से लीची को तो नुकसान हो ही रहा है, साथ ही किसान और व्यापारी भी परेशान है, जिससे ग्राहकों को लीची महंगी भी मिल रही है। गर्मी के कारण ज़्यादा वहाँ जल रहा है, इसीलिए जो है लीची क्षमता से कम जा रहा है इसमें। और लोग कहीं कहीं लोकल मंडी में अपना भेज रहे हैं माल को किसी तरह से तो नहीं है, और वहाँ सही लीची नहीं पहुँच पा रही है लीची जलने के कारण। इसी के कारण माल क्षमता से कम। कितना टाइम बताया? 25 घंटा।